दोस्तों और प्यारे साथियों, राज जो थे उनकी उम्र 75 साल की हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से बूढ़े हो चुके थे। दरअसल राज जी एक सरकारी बैंक में बहुत बड़े अधिकारी थे, लेकिन जब से वो रिटायर हुए, जब वो रिटायर होकर अपने घर आते हैं और अपने घर रहना शुरू करते हैं, तो उनके पास एक बेटा होता है। जो बेटा मुंबई महाराष्ट्र में एक MNC कंपनी में जॉब करता था, अच्छी खासी सैलरी थी उसकी, अच्छी खासी कंपनी में नौकरी किया करता था। लेकिन राज जब 60 साल की उम्र हो जाती है और बूढ़े होकर अपनी बैंक से रिटायर होकर आते हैं, तो वो अपना एक अच्छा खासा घर बनाते हैं और अपनी पत्नी के साथ अच्छा खासा जीवन गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन राज की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और राज उसे फिर लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जांच चलती है, इलाज होता है उनकी पत्नी का, और डॉक्टर साहब राज से बताते हैं कि दरअसल आपकी पत्नी को आखिरी स्टेज का कैंसर है और अब वो बूढ़ी भी हो चुकी हैं, जिसलिए अब ये कैंसर की बीमारी को रिकवर नहीं कर सकती हैं और इनके कुछ दिन अब और बचे हैं, इसलिए अब आप इनको अपने घर ले जाइए, इनकी जितनी सेवा हो उतनी सेवा करिए। अब हॉस्पिटल से अपनी पत्नी को राज डिस्चार्ज कराते हैं और लेकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद सबसे पहले अपने इकलौते बेटे को, जो मुंबई महाराष्ट्र में एक अच्छी कंपनी में जॉब किया करता था, उसको फोन कर सारी बातों से अवगत कराते हैं। बेटा जब सुनता है कि माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब ज़्यादा दिन तक वो इस धरती पर मेहमान नहीं रहेंगी, तो बेटा भी तुरंत छुट्टी लेकर आ जाता है। अब बेटा अपनी माँ का काफ़ी इलाज करवाता है, बहुत हैरान परेशान होता है, और इधर राज भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं और अपने पत्नी का इलाज करवाते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि उनकी पत्नी बच जाए, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो जाती हैं। और फिर उसके बाद उनका 13वीं संस्कार वगैरह बेटे और बाप दोनों मिलकर करते हैं। उसके बाद उनका जो इकलौता बेटा मुंबई महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा था, तो वो अपने पिता राज से कहता है कि पिताजी देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि मैं अपने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था और इससे ज़्यादा अब छुट्टी मिलेगी नहीं, तो मैं अब अपनी नौकरी पे चला जाता हूँ और फिर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दिन बाद मैं आपको बुला लूँगा और आप मेरे पास चले आइएगा। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ तो चली गई है, अब मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं जाने आने का इच्छुक नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारे पास आना है। अब बेटा फ्लाइट पकड़ता है अगले दिन की और मुंबई पहुंच जाता है। अब बेटा अपने पिताजी से लगातार बातें करता रहता है, लेकिन मजबूरी की बात ये थी कि पिताजी चाहते थे बेटे से कई बार वीडियो कॉल करना और बाप भी चाहता था कि वो अपने इकलौते बेटे से वीडियो कॉल के थ्रू बात करे, लेकिन उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। हालांकि धनाढ्य थे, पैसा कौड़ी सब कुछ था, रिटायर होकर आए थे, एंड्रॉयड फ़ोन ले लेते, लेकिन जब कई बार बेटा अपने पिता राज से कहता है कि पापा आप एंड्रॉयड का ज़माना आ गया है, आप एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, तो राज मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा आजीवन तो मैंने एंड्रॉयड फ़ोन चलाया नहीं और फिर अब इस उम्र में जब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तब तुम एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बार बार कह रहे हो। तो वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही अब राज को ये लगने लगता है कि उनके घर में सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, मोहल्ले में निकलते हैं तो चार लोग अच्छे तरीके से नाम लेते हैं, चार लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं है। वो धीरे धीरे अपने बेटे से भी बात करना बंद कर देते हैं और जब बेटा इस चीज़ों को जानना चाहता है कि आखिर पिताजी इस बीच हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत बुझे बुझे से रहते हैं, तब पिताजी से पूछता है, लेकिन पिताजी कुछ बताते नहीं हैं। तो एक दिन बेटा अपने एक मित्र को फ़ोन करता है और कहता है कि यार पिताजी इस समय मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो उसका मित्र उसे समझाता है कि देखो यार, सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं तो यही चाहूँगा कि यार अपने पिताजी को ना एक मोबाइल तुम एंड्रॉयड खरीद के दे दो। तब बेटा कहता है यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही मैं उन्हें एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद कर दे देता हूँ। तो वो अपने मित्र को पैसे ट्रांसफ़र करता है। उसका मित्र शाम को अपने मित्र के पिताजी को यानी राज को एक एंड्रॉयड फ़ोन ले जाकर उनके घर पर पकड़ा देता है। और जब फिर राज जी देखते हैं कि उनके बेटे का मित्र उन्हें एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर दे रहा है, तो वो कहते हैं बेटा इन सब की अब क्या ज़रूरत है, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ,
मैं अब एंड्रॉइड फोन का क्या करूंगा। कहता है कि दरअसल चाचा जी ये मैंने नहीं बल्कि आपके बेटे ने आपको गिफ्ट के तौर पर भेजा है। अब उनके बेटे का जो मित्र होता है वो मित्र उस मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सब कुछ इंस्टॉल कर देता है। समय ये आ जाता है कि उसके पिताजी अपने इकलौते बेटे से कई बार वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं। अब दोनों को बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है जो कि समाज के लिए एक नज़ीर बन जाता है। कुछ ऐसा गुजरता है इस 75 वर्षीय बुजुर्ग पर जिसको इस पूरी कहानी को जिसने सुना वो एक बार सोच में पड़ गया, एक बार हैरान परेशान हो गया कि आखिर एक बुजुर्ग के साथ ऐसा क्या हो गया। और मोहल्ले में उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, मोहल्ले में लोग उनको अजीब निगाहों से देख रहे हैं। अब ये 75 वर्षीय बुजुर्ग बहुत हैरान परेशान होते हैं। आखिर क्या थी पूरी कहानी, ऐसा क्या हो गया कि एक छोटे से चक्कर में बुजुर्ग को अपने पूरे जीवन की कमाई ही गंवानी पड़ी। बहुत ही रोचक कहानी है, आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है और आपको सतर्क और जागरूक करने वाली कहानी है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि हम मेहनताना के तौर पर आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कहानियों को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कहानी को शेयर जरूर कर दिया करिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें। अब राज को एक दिन क्या होता है, राज जब वो मोबाइल एंड्रॉइड पा जाते हैं तो वो सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि हर इंसान एक बार हाथ में मोबाइल एंड्रॉइड आता है तो सब तो चलाना जानते नहीं है, धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं। अब राज की उम्र 75 साल हो चुकी थी, अब लगातार उनको धीरे धीरे कुछ दिनों में अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ चुका था। वो अपने बेटे से भी अब व्हाट्सअप वीडियो कॉल इंस्टाग्राम वीडियो कॉल करने लगे थे। अचानक एक दिन जब राज सोकर उठते हैं, फेसबुक पर एक लड़की की जिसकी उम्र अभी महज 16 साल है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अब उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को वो अनजान थी, राज जी उसे जानते नहीं थे। उस चांदनी नाम के अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को राज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ दिन बाद ये चांदनी नाम की लड़की राज से हाय हेल्लो में बात करने लगती है और फिर राज और चांदनी दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है सिर्फ उस फेसबुक के जरिए। राज को कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगता है कि अगर चांदनी उनसे चैट नहीं करेगी और चांदनी उनसे फेसबुक पर बातें नहीं करेगी तो उनका दिन काटना दूभर हो जाएगा। अब वो चांदनी से लगातार बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे 3-4 महीने में वो चांदनी से बातें करते करते इन दोनों की बातें बातों में ही सीमित नहीं रही, दोनों की दोस्ती हो गई। इधर राज की उम्र 75 साल की थी और उधर चांदनी की उम्र 16 साल थी। एक दिन जब राज चांदनी से बातें कर रहे थे तब चांदनी से पूछते हैं कि चांदनी हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो गए, सुबह शाम दिन रात मैं तुमसे बातें करता रहता हूँ, अब वीडियो कॉल भी करो। अब दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं। तो चांदनी से जब वो पूछते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो तो चांदनी बताती है कि राज जी मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं लंदन में रहती हूँ, यहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं और मेरे माता पिता कोई नहीं है, तो मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं हालांकि भारत की रहने वाली हूँ, इंडिया की ही रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं यहीं पर आकर बस गई हूँ और लंदन में ही अपने अंकल के साथ अपने चाचा के साथ रहती हूँ। तब राज जी कहते हैं ठीक है, इंडिया कभी आओगी? कहती है कि हाँ इंडिया आऊँगी, जब भी आऊँगी तब आपसे मिल के जाऊँगी, आखिर क्यों नहीं आऊँगी, मेरा घर भी तो इंडिया में है, मेरा घर भी तो हिंदुस्तान में है और मैं जब आऊँगी तो आपसे मिल कर जरूर जाऊँगी। और फिर दोनों के बातों का सिलसिला यूं ही चलता होता है, दोनों की धीरे धीरे बातें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही चांदनी राज से बात करना बंद कर देती है। तकरीबन 14-15 दिन तक राज और चांदनी की फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर कोई बात नहीं होती है। अब राज बहुत सोचकर ये हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर चांदनी को क्या हुआ, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, शायद वो मुझसे बात ना करना चाहती हो। खैर
जैसे तैसे धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, 15 दिन का समय हो जाता है, न चांदनी का कोई कॉल राज के पास आता है और न राज चांदनी को कॉल करते हैं तो उसका फोन लगता है, ना ही फोन रिसीव होता है। अब राज बहुत हैरान परेशान। अब धीरे धीरे समय जब 15 दिन बीत जाता है दोस्तों, तो 15 दिन बाद एक दिन चांदनी का मैसेज आता है फेसबुक पे, और जैसे ही राज देखते हैं कि आज 15 दिन के बाद चांदनी का फेसबुक पे हाय का मैसेज आया है, तो राज बहुत खुश हो जाते हैं। अब राज चांदनी से पूछने लगते हैं कि चांदनी तुम इतना दिन तक कहाँ गुम हो गई थी, तुम्हारा ना कोई कॉल लग रहा है ना तुम खुद से कॉल कर रही हो। तो चांदनी राज को बताती है कि दरअसल ऐसा था राज जी कि आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। दरअसल मैं लंदन में अपने जिस चाचा के पास रह रही थी, उनकी करीब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है और करीब 10-15 दिन पहले वो एक्सपायर कर गए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, इसलिए मैं उसी में उनके अंतिम संस्कार में सारे क्रियाक्रम होते हैं, जो कि मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, इसलिए वो मैं चाहे जहाँ भी रहूँ तो भारत के हिसाब से करने होते हैं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी। तो राज कहते हैं कि पागल हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें मुझे एक बार इत्तला तो कर देना था। तब चांदनी कहती है कि मैंने जरूरी नहीं समझा, इसलिए आपको इत्तला नहीं किया। तो राज कहते हैं कि चलो ठीक है। तो दोनों फिर बातें करने लगते हैं, दोनों के बातों का सिलसिला वैसे चलने लगता है। अब अचानक एक दिन चांदनी राज से कहती है कि राज जी मैं इंडिया आने वाली हूँ। तो राज जी कहते हैं कि ठीक है, कब आओगी? तो वो कहती है कि मैं परसों आऊँगी, दरअसल मेरे चाचा के कुछ कागजी दस्तावेज इंडिया में ही हैं, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी वो 300 करोड़ की जो यहाँ पर लंदन में है, वो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आएगी सब, तो इसलिए इंडिया से कुछ कागजात लाने हैं। तो राज कहते हैं कि ठीक है, तुम कहाँ उतरोगी? तो वो कहती है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरूंगी। तो राज जी जो है वो उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले थे। अब राज जी अगले दिन ही देहरादून से सीधा दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो एक होटल लेते हैं, होटल में काफ़ी इंतज़ार करते हैं, और फिर वो समय आता है, वो उन्हें व्हाट्सएप पर एक टिकट भेजती है कि इस फ्लाइट से मैं आ रही हूँ। अब फ्लाइट का समय भी आ जाता है, अब वो एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े होकर चांदनी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आज इतनी दिन बाद उनकी एक 16 वर्षीय लड़की जो उनकी मित्र है, आज उनसे मुलाकात होगी। राज बहुत खुश रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि काफ़ी देर 1-1.5 घंटा बीत जाता है, लेकिन चांदनी वापस नहीं आई। अब वो थोड़ा सा हैरान परेशान होते हैं, लेकिन 1-2 घंटे और इंतज़ार करने के बाद वो एयरपोर्ट के बगल ही जहाँ पे होटल में रुके थे, वहाँ होटल में जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तो देखते हैं 1-1.5 घंटा बीत जाता है तो चांदनी का मैसेज आता है, और चांदनी कहती है कि देखो राज जी, मुझे दरअसल मैं वहाँ से लंदन से काफ़ी मात्रा में सोना वगैरह था मेरे पास, जिसे मैं सोच रही थी कि भारत में अपने घर पर लाकर सुरक्षित तरीके से रख दूंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं अकेली हूँ लंदन में, तो इतनी सुरक्षा हो नहीं पाती, तो कस्टम वालों ने मुझे पकड़ लिया है और मैं यहाँ पर पकड़ी गई हूँ, लीजिए कस्टम वाले से बात करिए। अब चांदनी एक कस्टम के अधिकारी से बात कराती है, और कस्टम के अधिकारी से बात करने के बाद चांदनी फिर फोन ले लेती है। अब राज जब बात करते हैं तो चांदनी राज से कहती है कि ऐसा है, जो ये कस्टम विभाग के अधिकारी हैं, इन लोग कह रहे हैं कि 6 लाख रुपये लगेंगे, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। राज जी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो कहती है कि राज जी, क्या मुझे आप 6 लाख रुपए दे दोगे? तो वो कहते हैं कि देखो, अभी शाम हो गई है, मैं ऐसा करता हूँ कि एक चेक बैंक में तुम्हारे अकाउंट में लगा देता हूँ, कल जैसे ही बैंक खुलेगी आपको 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो कहती है कि ठीक है, ये लोग मुझे यहीं कस्टडी में लेंगे, जब तक इनको 6 लाख रुपए नहीं मिल जाएगा तब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब अगले दिन सुबह जब बैंक खुलती है, वो चेक जाके लगाते हैं राज जी, 6 लाख रुपए चांदनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब चांदनी को पहुंच जाता है तो वो बता देते हैं, चांदनी मैंने 6 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तब चांदनी कुछ देर इंतज़ार करती है, और जब उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है तो वो राज से कहती है कि राज जी, अब ये लोग ऐसे नहीं मान रहे हैं, अब ये और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो राज जी कहते हैं, और कितना मांग रहे हैं? तो चांदनी कहती है करीब 12 लाख रुपये। फिर राज जी 12 लाख रुपये अपने अकाउंट से फिर दोबारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे करते करते वो करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपया चांदनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो फिर
चार पांच दिन गुजर चुके थे। अब स्थिति ये आ गई कि राज के पास दिल्ली में होटल में रुकने का पैसा नहीं था, तो वो देहरादून चले जाते हैं। अब देहरादून जब वो पहुंचते हैं तो चांदनी कहती है, कोई बात नहीं, मैं देहरादून ही चली आऊंगी, मुझे 10-12 लाख रुपए की और जरूरत है। तो अपने इष्ट मित्रों से और सबसे पैसे की मांग करते हैं, उनके इष्ट मित्र उनको पैसा दे भी दे देते हैं। अब वो जो इष्ट मित्र उनके पैसा देते हैं, वो भी पैसा वो चांदनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब स्थिति ये आई कि जब फिर से चांदनी पैसों की मांग करने लगी, तब अब राज के पास पैसे थे नहीं, तो वो अपने बेटे से जो MNC कंपनी में महाराष्ट्र में काम कर रहा था, उससे कहते हैं कि बेटा मुझे 12 लाख रुपए की जरूरत है। अब बेटा जब ये सब सुनता है कि 12 लाख रुपए की जरूरत है, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब ये रिटायर हुए थे तो इन्होंने जो पैसे इनके बचे मिले थे बैंक से, वो तो मैंने लिए नहीं, और घर पे कोई ऐसा है नहीं, सिर्फ एक मैंने नौकर रखा है, उसकी तनख्वाह जाती है, घर अपना है, किराया भी नहीं देना है। आखिर पिताजी पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या है कि पिताजी पिछले 10 दिन से मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या है कि पिताजी दिल्ली गए हुए थे। उसको बड़ा सदमा लगता है। अब वो महाराष्ट्र से अगले दिन फ्लाइट का टिकट करके देहरादून आ जाता है और अपने पिताजी को देखता है तो बहुत हैरान परेशान, अपने पिताजी से सारी बातें पूछता है राज से, लेकिन उसके पिताजी थे कि बताने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे जब उनका बेटा राज से पूरी हकीकत जानना चाहता है, तो राज को बैठा कर अपने एक बच्चे की तरह पिताजी से पूछता है, तब पिताजी पूरी घटना की जानकारी देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया, मेरे साथ एक लड़की है चांदनी, जिसके प्यार मोहब्बत के जाल में मैं फंस गया था और मैंने इतने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। राज का बेटा ये सब सुनता है तो वो दो तीन चीजें नहीं समझ पाता है। पहली चीज ये कि पिता की उम्र 75 साल हो गई है, वो ऐसे जाल में कैसे फंस गए। दूसरी चीज ये कि एक अनजान पर पिताजी ने इतना दुनिया देखी है, पूरी बैंक की बड़े अधिकारी की नौकरी करके आए हैं, फिर भी वो जाल में फंस गए। अब बेटे के पैरों की नीचे की जमीन खिसक जाती है। अब वो सीधा सारे कागजात को लेकर सीधा थाने पहुंचता है, थाने में रिपोर्ट करता है, थाने वाले कार्रवाई करते हैं। एक महीने के बाद उस चांदनी को अरेस्ट किया जाता है। जब चांदनी को अरेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि चांदनी लंदन में नहीं रह रही थी, बल्कि इंडिया के बंगलौर में रह रही थी। और चांदनी एक लड़की नहीं थी, एक लड़का था, और इनका एक गिरोह था, जिस गिरोह का काम था अनजाने आदमियों को, जो बुजुर्ग हो गए हों, जो बूढ़े हो गए हों, जो एकांत में रहते हों, ऐसे आदमियों को ये लोग निशाना बनाते थे और बहुत भारी मात्रा में ठगी करते थे। क्योंकि आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो इन सब बातों को समाज में, अपने घर में किसी को बताना नहीं चाहता है, और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते थे कि अच्छी सुंदर लड़की की फोटो लगा देते थे फेसबुक के DP पर, प्रोफाइल पर, लोगों को टारगेट करके और अपने चंगुल में फंसा कर उनसे पैसा ऐंठते थे, उनसे पैसे का फ्रॉड करते थे, स्कैम करते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद दोस्तों किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आँख कान नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। दोस्तों फिलहाल आप ये कहानी कहाँ से देख रहे थे और आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूँ ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।